ओके वेलकम बैक वंस अगेन टू फिनिक्स आईआईटी द एडिफिस ऑफ फिजिक्स वेयर वी वॉक टुगेदर। जैसे कि पहले पेपर का जेई एडवांस पेपर वन का सोल्यूशन 1 से 11 तक दे चुका हूँ, 11 से 18 तक का सोल्यूशन अभी दे देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई भी जिसने पेपर दिए दे रखा है उसके लिए कोई वीडियो बेनिफिशियल नहीं है। हमें भी पता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ उनको आंसर से मतलब होता है, आंसर की आ चुका है, कई जगहों का आंसर की आ चुका है, जेई का भी आंसर की आ चुका है, तो उससे उनको उससे मतलब नहीं है। जो नए बच्चे जो दोज हु आर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन इन 2021 एंड दोज हु आर टेकिंग दैट सीरियसली, जो नॉर्मल जो जिनको मतलब जो फाकी मारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चैनल ही नहीं है यार, सिंपल सी बात बता दूं मैं, उनके लिए तो ये चैनल ही नहीं है। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छे क्वेश्चन की जरूरत है, जिनको चैलेंजेस पसंद है, थ्रिल पसंद है, उसके लिए चैनल है, सिंपल सी बात है। दिस चैनल इज नॉट फॉर दोज हु बिलीव इन यू नो सो कॉल्ड ट्रिक्स, तो उसके लिए तो है ही नहीं। सो 2021 में जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे से बेनिफिटेड हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपको भी लगता है तो आप वीडियो देखें और आप को जो डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आइए सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा था कि एक कंटेनर ऐसे रख दिया हुआ इन्होंने और दूसरा कंटेनर ऐसे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन है, तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे पास भी क्वेश्चन होगा। इसमें भी एक पोटेशियम पर मैग्नेट का शायद सोल्यूशन दे रखा है, उससे अपन लोगों को कोई मतलब नहीं, उन्होंने आइडियल गैस की तरह उससे बोला है कि बिहेव करेगा। और इसमें बोल रहा है उन्होंने, बोल रखा है उन्होंने कि कंसंट्रेशन पर यूनिट मतलब कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका कंसंट्रेशन है N1 और इसका कंसंट्रेशन है N2, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि इसमें क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है और उन्हें क्या रखा है कि N1 माइनस N2 इज ग्रेटर देन डेल्टा N को डिफाइन किया उन्होंने N1 माइनस N2 विच इज ग्रेटर देन N1 एज वेल एज N2। अब चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है तो इसका मतलब कि डिफ्यूजन की वजह से मॉलिक्यूल्स इधर के इधर डिफ्यूज कर सकते हैं, एक फोर्स मिलेगा। अब पहले तो आपको उन्होंने कहा कि जब ये मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करते हैं तो उनपे कुछ ना कुछ तो विस्कस फोर्स भी लग रहा है जब मूव करते हैं तो। सो एफ विस्कस की वैल्यू भी दे रखी थी उन्होंने, एफ विस्कस की वैल्यू दे रखी थी माइनस ऑफ बीटा टाइम्स वी। आपने ऐसा फोर्स पढ़ा है स्टॉक्स लॉ में, है ना, 6 pi ईटा स्क्वायर रो वी, इस तरीके से जो फोर्स बन के आता है ना स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, टू किसी तरह का है, माइनस के वी टाइप फोर्स है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी आपने पढ़ा, मैंने बोला है एक वीडियो में डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। खैर अब उन्होंने कहा कि फोर्स बताओ जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो फोर्स देखते हैं। तो उस फोर्स के लिए हम यहां वाले रीजन को एनालाइज करते हैं, है ना। देखो इस पे अगर आप एनालाइज करोगे तो यहां के मॉलिक्यूल्स का फोर्स इधर की तरफ लगेगा और यहां के मॉलिक्यूल्स का फोर्स इधर की तरफ लगेगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछना कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली फोन करके बताऊंगा, बस अपना नंबर बोल देना, पर्सनली फोन करके बताऊंगा, मुझे फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा फोन अगर आपको इच्छा है नंबर तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस चाहत रखो पढ़ने की। अगर फोर्स की बात करें तो इधर से फोर्स लगा माल के एफ लेफ्ट और इधर से फोर्स लगा एफ राइट, वही आपको नेट फोर्स बताना जिसकी वजह से ये पार्टिकल मूव करेगा। सो ऑब्वियसली बात है एफ लेफ्ट माइनस एफ राइट, क्योंकि पार्टिकल उधर डिफ्यूज कर, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, एंड आई नीड टू इवैल्यूएट दिस। सो व्हाट विल बी दैट, इसका सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ था एस, सो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड इंटू एरिया माइनस प्रेशर इंटू राइट साइड इंटू एरिया, दिस इज द फोर्स। सो एरिया एस कॉमन दिया है, पी लेफ्ट माइनस पी राइट, व्हाट इज पी लेफ्ट, व्हाट इज पी लेफ्ट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स नॉट मॉलिक्यूल्स, सो एन आर टी ओवर वी माइनस N1, N लेफ्ट लिख दे रहा हूं, N राइट RT ओवर V,
है ना, दोनों का लेवल बराबर था, तो वी वी जो है, अब वहां से चेक कर लेते हैं क्या क्या बन के आ रहा है। सो नाउ नंबर ऑफ मोल्स, तो सोचो ढंग से नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एन एवोगैड्रो एन ए लिख दे रहा हूं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन एवोगैड्रो, तो यहां पे बस यूज कर लो एस इंटू, अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन राइट हैंड साइड एल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वी इंटू टी इंटू आर माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द राइट हैंड साइड इंटू आर इंटू टी ओवर एन ए इंटू वी। अब देख बेटा ढंग से, आर बाई एन ए तो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट बन गया है ना, आर बाई एन ए तो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट बन गया, आर बाई एन ए यहां पर भी आर बाई एन ए और यहां पर भी आर बाई एन ए, आर बाई एन ए तो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट बन गया दोनों साइड पे है ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वी यही तो एन ए दिया हुआ है, एन वन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन राइट हैंड साइड अपॉन वी यही तो एन टू दिया हुआ है, तो अब यहां से बस आ गया लो फोर्स। सो एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन वन और ये हो गया बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो एस कॉमन ले ले रहा हूं, एन वन माइनस एन टू बाद में लिख दूंगा, और टी आर भी कॉमन हो गया, टी इंटू के भी कॉमन हो गया, एंड एन वन माइनस एन टू इज डेल्टा डेल्टा एन, ये हुआ एस के टी इंटू डेल्टा एन, तो ये शायद यही था ऑप्शन में, एस के टी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इंटू डेल्टा एन, सो ऑप्शन नंबर वन वॉज करेक्ट, लेट्स चेक इफ ऑप्शन नंबर टू वॉज करेक्ट और नॉट। सो एफ वॉज एस के टी डेल्टा एन, इसको के बी लिख दिया गया, सो ऑप्शन नंबर वन वॉज करेक्ट, लेट्स चेक अबाउट ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू वॉज सेइंग कुछ तो पूछा था उन्होंने, फोर्स बैलेंस इंप्लाइज, अब फोर्स बैलेंस करना डायरेक्ट, सो फोर्स बैलेंस पे क्या लिख लोगे, कह रहा है कि द स्पीड वी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लिमिटेड बाय द विस्कस फोर्स ऑन ईच मॉलिक्यूल, इट इज सेइंग ऑन ईच मॉलिक्यूल है ना, सो ये फोर्स लगा यहां वाले जितने जितना इस मॉलिक्यूल में फोर्स है उस पर लगा, सो फोर्स बैलेंस करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्स बैलेंसिंग, तो यहां अभी तो हमने जो बनाया वहां पे इस पूरे वाले इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने उसकी बात की, सो लेंथ इसका एल दिया हुआ है आप देखो डायग्राम में, इसलिए उन्होंने लेंथ दिया, तो बस बीटा इंटू वी एक पे फोर्स है, एक मॉलिक्यूल्स पे, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स है बीटा इंटू वी है ना, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स है, तो अगर आप बहुत ढंग से बात करोगे तो इधर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, सो बीटा इंटू वी इंटू एरिया एस इंटू एल, ये एरिया हो गया इंटू क्या होगा, इधर से फोर्स लग रहा है, सो इंटू एन वन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो भी फोर्स बन के आए, उसी वजह से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये फोर्स लगा किधर की तरफ, लेफ्ट साइड में है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं राइट साइड की तरफ, सो ये फोर्स आया, ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स जो आपने भी उस पार्ट पे निकाला है, एस के बी टी इंटू डेल्टा, पहले वाले फोर्स में बोल रहा था कि व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट मूव, वहां पे अभी मूव नहीं कर रहा था, अब वो जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा इस फोर्स की वजह से, जैसे ही मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देगा वैसे ही इस पे बीटा इंटू वी फोर्स लगने लगेगा, और बीटा इंटू वी फोर्स लगेगा एक मॉलिक्यूल पे, उसको मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हमने पूरे इस वाले पूरे ट्यूब वाले सेक्शन के लिए बात की थी, तो उसको मैंने उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम इंटू उसके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया और वो यहां का टोटल फोर्स के बराबर हो गया, सो यहां से देखो बेटा कुछ तो कट गया, एस से एस कट गया ना, तो यही शायद ऑप्शन में है, एन वन बीटा वी इंटू एल, एन वन बीटा वी इंटू एल,
इज इक्वल टू के बी टी इंटू डेल्टा एम. सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन नंबर सी. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड. नाउ तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द ट्यूब पर सेकेंड, देखो कैसे सोचते हैं. जाहिर सी बात है इसमें v वेलोसिटी से अगर कोई मॉलिक्यूल चल रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी v टाइप मान लेते हैं कुछ हम लोग. तो देखो लेट सपोज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इसमें क्रॉस कर रहा है उसके बारे में हमें लिखना है. तो ये आप ड्रिफ्ट स्पीड में इसी तरह की चीज करते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो आप निकालते हो एनी एवीडी उस तरह की चीज बोल रहा हूं. लेट सपोज किसकी रफ्तार v थी, तो ये डेल्टा टी टाइम पे जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगे. सो क्या लिखा जाएगा, इसका जो वॉल्यूम लिखा जाएगा वो वी डी टी इंटू नंबर डेंसिटी जैसे वहां पे होती थी उसी तरह से कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं वी डी टी. डी टी टाइम पे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन टाइम्स n1 times v dt, n1 कर लो यहां से इधर से जा रहा मॉलिक्यूल. सो n1 times v dt इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n डॉट कर दे रहा हूं n1 v dt इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो v dt into s है ना. v dt इज द लेंथ, s इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रेवल करेंगे. अभी अब तो n बार की जो वैल्यू आ गई यहां से n डॉट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई n1 v dt into s. सो ये तो dt टाइम पे इतना आगे बढ़ा. तो पर सेकंड अगर बात किया जाए सो पर सेकंड उसको n डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर ये हमें निकालना है. सो दिस इज n into v into s. अब आंसर किस फॉर्म में दे रहा है बेटा, देखो n1 into v into s आंसर जो दे रहा है वो दे रहा है आपका किस फॉर्म में पूछा है आपसे, डेल्टा एन एल इस सब के फॉर्म में पूछा है. तो देखो पिछले वाले इक्वेशन में हमने लिखा था जो ऑप्शन नंबर बी है वही लिख रहा हूं, एन वन बीटा वी एल इज इक्वल टू डेल्टा एन के बी इंटू टी. तो वहां से एन वन को पुट कर लो. सो एल एन वन इज इक्वल टू डेल्टा एन के बी इंटू कैपिटल टी इंटू वी इंटू एस अपॉन डेल्टा एन के बी टी अपॉन बीटा वी एल. तो देखो वी से वी कट गया तो ये जो बन के आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन के बी इंटू टी इंटू एस अपॉन बीटा इंटू एल. सो डेल्टा एन अपॉन एल के बी टी एस अपॉन बीटा. सो दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना. अब क्या बोल रहा, नंबर ऑफ रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विथ टाइम. तो समय के साथ देखोगे दिस इज द रेट ऑफ मॉल, दिस इज रेट, इसका बोल रहा टाइम के साथ डिपेंडेंस पूछ रहा है. तो जाहिर सी बात है के बी विल नॉट चेंज, प्रोसेस इज वेरी स्लो बिकॉज एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो दिस टेम्परेचर वी कैन अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, एस इज ए कॉन्स्टेंट, बी इज ए बीटा इज ए कॉन्स्टेंट, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज ए कॉन्स्टेंट. नाउ द ओनली टर्म विच विल रिमेन विच कैन चेंज इज डेल्टा एन. अब सोचो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये एन वन की वैल्यू छोटी होती जाएगी और इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी. तो बेसिकली डेल्टा एन छोटा होता जाएगा. सो डेल्टा एन विल चेंज विथ टाइम, नीड नॉट टू बी अ कांस्टेंट, नीड नॉट टू बी अ कांस्टेंट क्योंकि ये चेंज हो रहा है. अब वो चेंज किसी भी तरह से हो सकता है, लीनियर नॉन लीनियर वो एक अलग बात है, बट डेल्टा एन इज नॉट कॉन्स्टेंट. सो दिस विल चेंज विथ टाइम, हेंस एन बार एन डबल बार विल ऑल्सो चेंज विथ टाइम. सो इसका ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही है. इस क्वेश्चन को अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 को तो मैं इसको एक मॉडरेट कैटेगरी में रेट करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना था. अगर आपको बेसिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आइडिया है,
आपको नॉर्मल मतलब बेसिक कॉमन सेंस अगर आपका चलता है, फोर्स वोर्स लगाना आपको आता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आते हैं, तो आप इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन केवल लंबा था और कोई खास बात नहीं थी। अब आइए, अब हम लोग थोड़ा सेक्शन बी में एंटर कर, सेक्शन सी में एंटर कर रहे हैं। पेपर नंबर वन स्कोरिंग था बेटा, पेपर टू बहुत ही अच्छा बनाया था उन्होंने आपको, देर वॉज वेरी स्मॉल मार्जिन वेर यू कुड स्कोर, तो आपको इंश्योर किया करवाया था उन्होंने कि आप स्कोर कम ही कर सको, इसलिए थोड़ा कट ऑफ में भी इस बार दिक्कत हुई है, मतलब कम नंबर पे अच्छे अच्छे अच्छी रैंक आई है इस बार, सो दिस इज द रीजन। ऑल राइट, आइए सो क्वेश्चन नंबर 12 13 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बार दिया हुआ है, मुझे याद है सवाल ये, एक बार दे रखा है और इस बार में वो वाला बार नहीं जो तुम समझ रहे हो, आयरन की बार है, कोई भी स्टील बार या मेटल, इसके दो पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, सॉरी ये जीरो है, ये 100। अब बोल रहा है कि इसको ना दो उंगलियों पे रख लिया, एक तो 90 सेंटीमीटर के मार्क को और एक 100। ये क्वेश्चन ना 100 प्रॉब्लम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में है, उससे उठाया उन्होंने कॉन्सेप्ट, मतलब सवाल उसी तरह का था, उठाया उन्होंने वहीं से है, ठीक है। उसमें हालांकि वर्क पूछा है, इसमें उन्होंने उसी का एक सिंपल वर्जन पूछा है। 200 मैंने सवाल जेई सुपर सिक्स की सीरीज उसी से मोस्टली होती है, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, और पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से किताब का नाम, पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स, आइए कॉमन डोमेन में है, आपको मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मुझे कहोगे तो मैं दिला दूंगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से आती है ये किताब, उसमें ये है, ठीक है। तुमने कहा कि दो उंगलियां फेरते हैं और दो उंगलियों पे इसको ऐसे फंसा लिया गया, ये 0 सेंटीमीटर मार्क पे और 90 सेंटीमीटर मार्क पे, जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे होगा। अब सोचो ढंग से कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बराबर नहीं होगा, जो हाथों के ऊपर नॉर्मल आएगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए जब हम दोनों को बराबर फोर्स से मूव करेंगे दोनों हाथों को, तो एक हाथ में के पास स्लिपिंग पहले होगी, दूसरे हाथ के पास स्लिपिंग बाद में होगी, ये इन्होंने कह रखा है। इन्होंने कहा कि ये 90 सेंटीमीटर मार्क पर रखा है, व्हेन यू अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर इनिशियली ओनली द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विद रिस्पेक्ट टू द स्केल, पहले शुरू में ये लेफ्ट फिंगर स्लिप करती है, ये रेस्ट पे रहती है, फिर ये स्लिप करती है, ये रेस्ट पे रहती है, ठीक है, एंड राइट फिंगर डज नॉट, आफ्टर सम डिस्टेंस द लेफ्ट फिंगर स्टॉप्स एंड द राइट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्केल एंड द लेफ्ट फिंगर स्टार्ट स्लिपिंग, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द टू फिंगर्स, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट देन वैल्यू ऑफ एक्स आर इज, देखो बेटा पहले तो यहां का और यहां का नॉर्मल के बारे में सोचते हैं, तो देखो यहां का नॉर्मल कितना आएगा, मास वास इसका एम मान लो या वेट इसका डब्ल्यू मान लो, है ना, तो एन वन की वैल्यू यहां पे नॉर्मल, देखो यहां का नॉर्मल एन वन मान लेते हैं, यहां का नॉर्मल एन टू, सो एन वन को क्या लिखोगे, डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस विच इज 40 अपॉन टोटल डिस्टेंस विच इज 90, है ना, ये फॉर्मूला भी होता है डायरेक्ट पे आप टॉर्क बैलेंस डायरेक्ट कर सकते हो, सो दिस इज 4 अपॉन 9 डब्ल्यू एन टू, चूंकि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे तो ऑलरेडी है, सो डब्ल्यू इंटू व्हाट डू यू से 5/9, है ना। अब देखो क्या यहां का नॉर्मल ज्यादा है, तो वहां का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, इसलिए पहले लेफ्ट फिंगर स्लिप करेगी, ठीक है। अब लेफ्ट फिंगर स्लिप करके एक ऐसे जगह पे आ गई जहां पे इसका वाला नॉर्मल डोमिनेटिंग हो गया, अब पहले तो वो डिस्टेंस देखते हैं, तो देखो मानते कि ये डिस्टेंस एक्स था, या यहां से ये डिस्टेंस एक्स मान लीजिए, अब बात को समझना, अब बात को समझना थोड़ा, तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, दोनों के बीच की दूरी को, ये वाला डिस्टेंस तो 40 है और ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये सिचुएशन ऐसे बना रहा हूं,
x प्लस 40 दोनों के बीच की दूरी हो गई। इस जगह पे आके लेफ्ट फिंगर रुक गई। अब यहां से ये फिंगर चलना शुरू हो गया और यहां पे फिंगर वो रुकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये फिंगर चलना स्टार्ट हो गया तो यहां पे जो फोर्स आ रहा होगा इस जगह पे, अगर इस जगह पे दोनों रुक गए होंगे तो इस जगह पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, है ना, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। ये बॉडी जो है वो रुक गई आके, तो जो यहां पे स्लाइड, जो यहां पे फोर्स लग रहा था, ढंग से देखो तो मेरा उंगली अगर इधर की तरफ चल रहा है, ऐसे उंगली इधर की तरफ चल रही है, तो उंगली पे फोर्स पीछे की तरफ और इस पे फोर्स आगे की तरफ, तो ये फोर्स आगे की तरफ लगाया मैंने और यहां का फोर्स तो ऑब्वियसली इधर की तरफ लग रहा था ताकि वहां का स्लिपिंग रुक सके। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए तभी जो है वो सेकेंड वाले पॉइंट पे वो रुका आके या इस जगह पर। तो यहां का फ्रिक्शन तो रुका है, तो यहां का फ्रिक्शन तो काइनेटिक था और यहां का फ्रिक्शन स्टैटिक था। अब देखो तो दोनों को बस बराबर कर रहा हूं। अब मान लेते कि इस जगह पे ये वाला फ्रिक्शन जो है वो N1 डैश हो गया और ये वाला फ्रिक्शन जो है वो N2 डैश हो गया। अब देखो यहां पे N1 डैश की वैल्यू देखो क्या हो गया, देखो ढंग से, कुछ गड़बड़ ना करूंगा। N1 डैश की वैल्यू, ये डिस्टेंस तो x है ना, तो 40/40 + x N2W N1 हुआ और N2 डैश की वैल्यू हो गई x/40 + x × W। अब ढंग से सोच, अगर दोनों बराबर हो गए तो यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन और यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां तो स्लिपिंग हो रही थी, वो स्लिपिंग रुकी है इस जगह पे और धीरे धीरे हो रही है, ना स्लोली क्या रखा है, तो डायरेक्ट रुक गया वहां पे। तो अब ये चीज क्या लिख लोगे आप, दोनों को बराबर कर लेते हैं। यहां का फोर्स, यहां म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल और इस जगह पे म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। सो म्यू काइनेटिक की वैल्यू कितनी दे रखी है, शायद 0.32 है, तो इतना इंटू 0.32 शुड बी इक्वल टू इतना इंटू 0.4। मैंने वैल्यू सही लिखी है ना, देखना तो मुझे। यस यस यस, अब दोनों को बराबर कर रहे हैं, है ना, तो 40 + x से 40 + x कट गया, W से W कट गया, बचा क्या देखो, बचा क्या देखो, 40 × 0.32 इज इक्वल टू x × 0.4, 0.8 से कट गया ये, तो x बराबर आ गया 32। यही निकालना है, क्या निकालना, x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब यहां के बाद से राइट वाला चलना शुरू होता है, एक क्रॉस बार प्रोसेस और करना पड़ेगा। अब देखो यहां से समझना ढंग से, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, यहां पे लेफ्ट वाला फिंगर रुका, राइट वाला चलना शुरू होगा, दोनों के बीच की दूरी हो गई कितनी, 40 + 32 कितना, 72, और यहां पे ये 32 पे हमारा फिंगर है। अब यहां से ये राइट वाला फिंगर चलना शुरू, लेट सपोज एक ऐसा डिस्टेंस हो जहां पे आके वो रुक गया, यहां का फ्रिक्शन काइनेटिक, यहां का फ्रिक्शन स्टैटिक। तो देखो यहां से फिर से, जब मेरी उंगली ऐसे बढ़ रही थी तो उंगली पे फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, और इस पे फोर्स लगा किधर की तरफ, यहां पे उंगली ऐसे बढ़ रही थी तो उंगली पे फोर्स लगा पीछे की तरफ, उंगली फास्ट चल रही थी और इस पे फोर्स आया, सॉरी हाँ उंगली ऐसे चल रही थी तो उंगली पे फोर्स आया इधर की तरफ, तो इस पे फोर्स आया इधर की तरफ और यहां पे फोर्स स्टैटिक तो लग ही रहा था। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला दोनों फोर्स क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिस जगह पे यहां की उंगली जो होगी ये वाली उंगली आके रुक जाएगी तो यहां का फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। तो मूव करने की जस्ट कंडीशन क्या होगी, कि मतलब इसके रुकने की कंडीशन क्या होगी, मूव करने की कंडीशन नहीं, सॉरी, इसके रुकने की कंडीशन क्या होगी, कि जो यहां का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है
वो यहां का जो फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक इन नेचर था उसके बराबर हो जाए। तो अब देखो यहां का फ्रिक्शन काइनेटिक 0.4 इंटू नॉर्मल, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं नॉर्मल, यहां का देखो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस तो ठीक है फिर 32 ही है, बट ये डिस्टेंस हम XR मान लेते हैं जो कि दे रखा है, मानते यहां पे आके रुका है ना, तो ये डिस्टेंस XR मान लिया अपॉन XR प्लस कितना, XR प्लस X 32 इज इक्वल टू 0.32 यहां का फ्रिक्शन काइनेटिक था क्योंकि स्लिपिंग हो रही थी इनटू 32, ये इसका लिख रहा था, ये 32 डिस्टेंस इधर वाला होगा अपॉन XR प्लस 32, ये खत्म ये खत्म, अगेन ये 0.8 हो गया, 8/10 लिख दिया या 0.8 लिख दे रहा हूं, तो 10 टाइम्स XR इज इक्वल टू 8 इंटू 32। अब इससे जो आ जाए वो आंसर है, देखो कितना आता है, आठ दुना 16, आठतिया 24, एक 25 बटा 10, तो ये आ गया 25.6 सेंटीमीटर और यही आंसर है। आई सपोज ये सही भी है 25.6, बोलो क्लियर है। सो ये सॉल्व करना था, आपको ये समझना था कि ये बॉडी जो कंडीशन मतलब कॉन्सेप्ट क्या सीखना था आपको, कि दोनों की जगह पे नॉर्मल अलग अलग होगा तो एक जगह पे फ्रिक्शन पहले काइनेटिक हो जाएगा। अब ये आगे चलना शुरू किया, यहां का फ्रिक्शन स्टैटिक था, अब ये स्लिप करना शुरू किया, स्लिप करना शुरू किया, स्लिप करना शुरू किया, नॉर्मल जो है जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे नॉर्मल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास से करीब आते जा रहे हो। एक जगह ऐसा होगा जहां पे नॉर्मल किसको सरपास कर जाए, जो भी उंगली मूव कर रही है, जहां जैसे ही यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन और यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो गया, क्या बॉडी रुक गई, अब बॉडी रुक गई, अब यहां का नॉर्मल जो है वो बराबर है, अब यहां का फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, अब ये मूव करना शुरू करेगा, फिर एक जगह फिर ऐसा होगा जब यहां का दोनों फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा, यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन और यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बॉडी ये वाला उंगली मूव करनी शुरू करेगी और इस तरह से वो करीब होता जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इसको मैं टफ कैटेगरी में ही ऑलरेडी रेट ऑब्वियसली रेट करूंगा, सो दिस वाज टफ प्रॉब्लम। ओके नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14th करते हैं। 14th क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्योंकि 14th क्वेश्चन ढंग से पढ़ने वाला सवाल कर पाया होगा, ढंग से जिसने पढ़ा नहीं होगा उनसे सवाल होने की संभावना थोड़ी कम थी, मैंने कहा था नहीं हुआ होगा, हो सकता हो गया हो, कई सारे तेज बच्चे भी होते हैं। When water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass, ठीक है, ये rim of the glass है, इससे h height ऊपर तक fill कर सकते हैं water. ड्यू टू द सर्फेस टेंशन, मतलब वो सर्फेस टेंशन की वजह से बोल रहा है कि वो शेप लिया होगा बेसिकली फोर्सेस के कारण से, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण से, कोहेसिव फोर्सेस के कारण से, टू कैलकुलेट एच अबव द वॉटर, अब टू कैलकुलेट एच जस्ट बिफोर वॉटर स्टार्ट फ्लोइंग, कुछ ऊपर तक भरे गए हैं फिर उसके बाद एक हाइट पहुंचता है, वहां के बाद से वॉटर जो है वो स्पिल आउट करना शुरू कर देता है, ठीक है। मॉडल द शेप ऑफ द वॉटर अबव द रिम, अब इसको बोल रहा है कि जो शेप बना है वाटर का रिम के ऊपर, इसको आपको एक डिस्क टाइप शेप मानना है, उन्हें फिगर बना के दिया हुआ था इस तरह का डिस्क टाइप शेप मानना था। जो भी है इस तरह से दे रखा है, ठीक है, अबव द रिम एज अ डिस्क ऑफ थिकनेस h, जिसकी मोटाई h दी हुई है और जिसका रेडियस रेडियस आर दिया है शायद मेरे हिसाब से, हैविंग सेमी सर्कुलर एजेस, और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर एज दिया हुआ है एज शोन स्कीमेटिकली इन द फिगर, व्हेन द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द डिस्क एक्सीड द, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल लाइन, बोला इस डिस्क के नीचे का प्रेशर सरफेस टेंशन की प्रेशर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो वाटर स्पिल आउट कर जाएगा, वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द सर्फ, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर सरफेस टेंशन दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ एच पूछा, तो सिंपल सी कंडीशन क्या लगानी है कि यहां का प्रेशर जो हुआ वो रो जी एच,
प्लस पी नॉट, ये किससे ज्यादा हो जाए, अंदर के प्रेशर से, पी नॉट प्लस, अब जाहिर सी बात है यहां का प्रेशर आपको लिखना पड़ेगा, देखो ये किस तरह की चीज है, ऐसे इस तरह की चीज, तो जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर दो है, एक तो आपका ये हुआ सेमी सर्कुलर दे रखा है जिसका रेडियस हुआ कितना h बाई टू, और एक रेडियस ये हुआ r, तो जो अब अंदर का प्रेशर लिखोगे क्या लिखते हो, जब ऐसे दो कर्वेचर्स होते हैं मल्टीपल कर्वेचर वाला, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी एक्सेस बराबर पी नॉट प्लस टी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। बहुत रेयरली जेई मल्टीपल कर्वेचर पे सवाल पूछती है, ओलंपियाड वगैरह में ज्यादा आते हैं, बट पूछा गया है इसलिए मैं बता भी रहा हूं। सो ये हो जाएगा कितना, पी नॉट इन टू टी वन बाई आर, तो टू एच बाई आर, मतलब वन बाई एच बाई टू हो जाएगा, सो टू अपॉन स्मॉल एच प्लस वन बाई आर कैपिटल आर। चूंकि बेटा कैपिटल आर बहुत बड़ा है स्मॉल आर से, कि वो हाइट बहुत छोटा ऊपर जाएगा, इसलिए इस आर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये सवाल में नहीं लिखा था, बट ऑब्वियस ही बात है वो बहुत ज्यादा बहुत ऊपर हाइट तो उठता नहीं है ना, तो वो उस टम्बलर की के रेडियस के कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत छोटा होगा, तो ये हाइट बहुत छोटी होगी, तो दिस टर्म विल गो टू जीरो, दिस टर्म गोज टू जीरो। नाउ इफ दिस टर्म गोज टू जीरो, नाउ पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, नाउ यू आर लेफ्ट विद अ सिंपल इक्वेशन रो जी एच इज इक्वल टू टू एच टी इन टू टू बाई एच, आंसर तो यहीं से आ गया, बट ये सोचना बहुत जरूरी था। सो एच विल बी इक्वल टू टू टी अपॉन रो जी अंडर रूट। सो क्या क्या डेटा दिया है ना, बस डेटा पुटिंग का सवाल है यहां से बात से, टी की वैल्यू दे रखी है 0.07, लेट मी पुट द वैल्यू सो केयरफुली 0.07, रो की वैल्यू 1000 एसआई में शायद वही दिया भी होगा 1010, सो दिस इज 1000 इनटू 10, और किसमें पूछा है हाइट निकालने के लिए कहा है उन्होंने, एमएम में बोला है, तो आओ कर लेते हैं इसको, ये तो मीटर में आएगा, तो एमएम के लिए क्या करोगे, टेन पहले तो मीटर में निकाल ही लेते हैं, तो ये कितना आएगा 0.7 इंटू टू, सो दिस इज 1.4, सॉरी 0.14 अपॉन 10 टू द पावर 4 अंडर रूट, सो ये 14 बटा 10 टू द पावर 6 कर लो। अब देखो ये आ गया आपका कितना, रूट 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये मीटर में है तो ये मिलीमीटर में क्या जाएगा, रूट 14 मिलीमीटर, सो ये कितना हो जाएगा 3.6 के रेंज में मिलीमीटर, है ना 36 कितना, ठीक है मुझे आपको लेकिन स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, 1 से लेके 100 तक तो याद होना ही चाहिए आपको, बट अगर आप देखो तो ये 3 से ज्यादा है, और आपका अगर आप बात करोगे तो 4 से कम है, तो अगर आप स्क्वायर देखोगे तो 36 का जो स्क्वायर होता है वो आपका आएगा, और 1216 ना शायद कितना होता है 1296 ना 216 36 36 36 हाँ 1296 ना 6 6 4 6 96 छद नंबर है, हाँ ठीक है, तो 1296 मतलब लगभग 3.7 के रेंज में आएगा ये 3.7 एमएम, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर जो है वो 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है, तो उससे ज्यादा 3.7 एमएम, तो ये आंसर है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे को याद सही से किया हुआ प्रैक्टिस किया हुआ तो कर पाएगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल था, तो टफ कैटेगरी में ही रखूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 आइए करते हैं, आओ क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में कह रहा था अगेन
अब क्वेश्चन जहां पे स्कोर करने के चांसेस थोड़े मेरे हिसाब से कम ही थे, कह रहा है कि एक नेग्लेजिबल लेंथ का एक स्प्रिंग है, नेग्लेजिबल लेंथ का, नेचुरल लेंथ नेग्लेजिबल है, और यहां पे लाके एक तो उन्होंने डाइपोल रख दिया हुआ है इस एक्सिस पे ऐसे, तो डाइपोल की वजह से स्प्रिंग जो है वो लंबी और स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग में एक चार्ज लगा दिया गया, समझो कि डाइपोल एक स्प्रिंग है बहुत छोटी सी, यहां पे एक चार्ज फंसा दिया गया, और जैसे ही डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केपी अपॉन आर क्यूब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो इस चार्ज पे क्यूई फोर्स आ जाएगा और ये जो है डाइपोल फैल जाएगा, तो डाइपोल जो है फैल गया। अब बोला कि ये जो है वो एल लेंथ तक फैल चुका है, ये जो है वो एल लेंथ तक फैल चुका है। अब यहां के बाद से फर्दर इसको डेल्टा एल मूव कराते हैं सच दैट डेल्टा एल लेस देन एल, एम्पलीट्यूड काफी छोटा होगा एस एच एम का, कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ाई किया पता है मुझे, इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा, क्यों ऑसिलेट करता है फ्रीक्वेंसी बतानी है। चलो देखते, सबसे पहले तो इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे है, जब वो शुरू में गया शिफ्ट हुआ एल लेंथ पे, तो वहां पे फोर्स देखते हैं, तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ 2kp अपॉन r क्यूब, और इधर की kx लगा 2kp अपॉन l क्यूब इनटू q, ये फोर्स लगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा kl, ये k अलग है और ये k अलग है, एक सेकंड कंफ्यूजन के लिए इसको c कर दे रहा हूं, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के है, ये के और ये के कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ओके। अब यहां से देखो तो क्या आएगा, कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं यहीं पे, देखिए आइए के एल इक्वेशन लिख के रख लो 2 सी पी अपॉन एल क्यूब इंटू ए, है ना, ये इक्वेशन हमने लिख के यहां पे रख लिया। अब यहां से फर्दर इसको और स्ट्रेच करो, तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा ट्वाइस ऑफ सी पी अपॉन एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, और इधर की तरफ फोर्स लगेगा के एल प्लस डेल्टा एल, मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के उस पे एफ नेट लिख रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या करना चाह रहा हूं मैं। सो के एल प्लस डेल्टा एल इधर की तरफ लिखा तो ये माइनस लगा दिया, और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगा, तो ट्वाइस ऑफ सी पी अपॉन एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब। अब बस यहां से अप्रोक्सीमेशन करना है, वो आपको करना आना चाहिए, डेल्टा एल छोटा है, बायनोमियल ट्राइनोमियल लगाएंगे, आप कर चुके हो, अगर आप अपनी अच्छी तैयारी की है तो आपको आपको इसके साथ डील करना आता होगा। यहां से एल कॉमन ले लो एल क्यूब, और डायरेक्ट इसको ऊपर लेके चला जा रहा हूं, वन प्लस डेल्टा एल बाई एल की पावर माइनस थ्री, ठीक है कॉमन लेके माइनस के माइनस, यहां लिख दे रहा हूं अब इसको मिटा के, माइनस ऑफ के टाइम्स एल प्लस डेल्टा एल। अब देख बेटा ट्वाइस सीपी अपॉन एल क्यूब से के एल कट गया, देख इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम रिलेशन ऐसे भी कट जाते हैं, तो ये तो कट गया, ये वन और ये खत्म, बचा कितना बायनोमियल लगा हुए, क्यों काट पाए क्योंकि बायनोमियल लगा चुके हैं, माइनस डेल्टा माइनस थ्री टाइम्स डेल्टा एल हो चुका है, सो ये हो जाएगा माइनस टू सी पी, आई होप आप समझ रहे हो, इंटू एल क्यूब इंटू थ्री टाइम्स डेल्टा एल बाई एल, आपको समझ में आएगा, मैंने बायनोमियल लगाया माइनस थ्री टाइम्स डेल्टा एल बाई एल कर चुका हूं, तभी मैं वन और एल को काट पाया, बार बार बोल रहा हूं, प्लस माइनस के टाइम्स डेल्टा एल। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, टू सी पी अपॉन एल की पावर फोर, देख टू सी पी अपॉन एल की पावर फोर इंटू क्यू भी, इंटू क्यू भी हर जगह पे क्यू होगा ऑब्वियसली, वो क्यू तो लग ही रहा है, क्यू चार्ज पे क्यू ही फोर्स होता है ना, तो टू यहां पे भी क्यू, तो टू सी पी इंटू क्यू अपॉन एल फोर, ये के बराबर है, तो ये पूरा टर्म, ये सारा का सारा टर्म के बराबर हो गया, सो माइनस थ्री के डेल्टा एल और माइनस के डेल्टा एल, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स के डेल्टा एल,
अब यहां के बाद से मेरे लिए चाइल्ड्स प्ले है इस सवाल को करना यहां के बाद तो। सो एफ इज इक्वल टू, यहां के बाद तो घर की नौकरानी भी कर देगी, माइनस फोर टाइम्स के डेल्टा एल, एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस फोर के बाई एम डेल्टा एल, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एस एच एम वेयर एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और द एम्पलीट्यूड, लेंथ बेसिकली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, एंड एस एच एम अ वेरी ब्यूटिफुल टाइप ऑफ मोशन वेयर टाइम पीरियड इज इनवेरियंट ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ क्रूशियल थिंग। ओके सो नाउ बस यहां से फ्रीक्वेंसी लिखना है, सो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई टू पाई, सो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा कितना, अंडर रूट ऑफ फोर के बाई एम, अंडर रूट ऑफ फोर के बाई एम, तो वन बाई ओमेगा बाई टू पाई, वन बाई टू पाई है ना, यहां से टू बाहर निकाल लो, सो टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम अपॉन टू पाई, टू से टू कट गया, ये बोल रहा है वन बाई डेल्टा अंडर रूट के बाई एम, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू पाई, एंड दिस इज द आंसर 3.14। सो इस सवाल में करना था थोड़ा आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाए, आपको एस एच एम का टाइम पीरियड अच्छे से निकालना आना चाहिए है ना, मॉडरेट कैटेगरी नहीं टफ कैटेगरी में रखूंगा, हालांकि बच्चों से ये हुआ होगा, दे वुड हैव फाइंड इट फाउंड इट ईजियर, अगर अच्छी तैयारी की होगी तो ये होना चाहिए था सवाल, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं होता, बहुत स्टैंडर्ड था, ऐसे सवाल होते हैं, कई सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं इस तरह के, जहां पे आप इस तरह के अप्रोक्सीमेशन को लगाते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कंसीडर वन मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज्ड इन अ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर एट प्रेशर P1 व्हेन V1 इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू 4V1 आफ्टर दिस गैस एक्सपैंड्स एडियाबेटिकली इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1 द वर्क डन बाय, कह रहा है कि एक गैस है आइसोथर्मल प्रोसेस से P1 V1 से 4 टाइम्स V1 P2 V2 लेके जा रहे हैं आइसोथर्मली, तो जाहिर सी बात है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और वॉल्यूम जो है वो हो गया आपका 4 टाइम्स V1, तो वॉल्यूम अगर 4 टाइम्स V1 हुआ तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स घट जाएगा, तभी तो P into V विल बी हाइपरबोलिक, राइट, PV इज अ कांस्टेंट। अब यहां के बाद से एडियाबेटिकली वॉल्यूम को 32 टाइम्स V1 कर दे रहे हैं, सो पी फाइनल पहले निकाल लेते हैं है ना, अब इसका वर्क डन जो है वो W आइसोथर्मल है और इसका वर्क डन W एडियाबेटिक है, दोनों का रेशियो वेशियो पूछा है आपसे, मेरे हिसाब से यही पूछा है, आइसोथर्मल अपॉन एडियाबेटिक, ठीक। अब देखो पहले तो आइसोथर्मल वर्क कितना होगा, P1 V1 इंटू LN V2 बाई V1, सो V2 बाई V1 इज 4 बाई LN 4 हो गया, सो ये आया कितना 2 टाइम्स P1 V1 इंटू LN 2, ये तो पहला आ गया। इस वाले केस में देखो क्या होगा, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एडियाबेटिक है, सो P1 इज P1 बाई 4, V1 इज 4 टाइम्स V1, इसकी पावर गामा, एंड गामा फॉर हीलियम दिया हुआ है 1 मोल, सो हीलियम के लिए मोनोएटॉमिक गैस है, वन हीलियम के लिए गामा क्या होगा 5/3, 1+2/F, 1+2/3, 5/3, सो दिस इज 5/3 इज इक्वल टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल विच इज 32 टाइम्स V1 की पावर 5/3, V1 की पावर 5/3 से V1 की पावर 5/3 कट गया, सो अब ये क्या बच के आएगा, देखो ढंग से यहां से आएगा आपका P फाइनल विल बी इक्वल टू, कुछ तो करते हैं यहां से देखिए 4/32 P फाइनल 4/32 की पावर 5/3 इंटू P1/4, 4×8=32, ये 1/2 हो गया, 1/3 पावर करेंगे तो ये 1/2 की पावर 5, 1/32, सो दिस पी फाइनल विल बिकम इक्वल टू P1/2 की पावर 5, सो 1/32 इंटू 4 P1/128, ये है ना 32 इंटू 4, हाँ सही लग रहा है P1/128,
अब बस वर्कडन लिख देता हूं इसका, देखो वर्कडन लिख दे रहा हूं, वर्कडन कितना होगा P1V1 माइनस P2, P2 इज P1 बाई P1V1 तो सेम ही रहा क्योंकि P1 बाई 4 इंटू 4V1 तो P1V1 और P फाइनल V फाइनल, सो P फाइनल इज P1 बाई 128 इंटू 32 टाइम्स V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, 5 बाई 3 माइनस 1 इज 2 बाई 3। अब जो वहां से आए वो आंसर है, यहां से P1 V1 कॉमन ले लीजिए, 32 बाई 128, 4 हुआ 1 माइनस 1 बाई 4, दिस इज 3 बाई 4 इंटू 3 बाई 2 अपॉन 2 बाई 3, सो इंटू 2 इंटू 3, सो दिस कम्स इक्वल टू 9 बाई 8 P1 V1। अब दोनों का रेशियो लो, सो रिक्वायर्ड रेशियो RR लिख दे रहा हूं, दिस इज 2 P1 V1 ln2 अपॉन 9 बाई 8 P1 V1, ये कट गया ये कट गया, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 बाई 9 ln2। अब यहां से f की वैल्यू 16 बाई 9 है, उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सो अगेन इसको हम लोग एक मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, फॉर्मुला बेस्ड सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि स्टेशनरी ट्यूनिंग फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद एन एयर कॉलम इन ए पाइप, दोनों मतलब रेजोनेटिंग, दोनों रेजोनेंस पे है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना, ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि इफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज मूव्ड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन फ्रंट ऑफ द ओपन एंड and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of the sound in air is itna, the smallest value of percentage change required to the length. कह रहा है कि tuning fork resonance column के साथ यहाँ पे resonance में है, अब इसको move क्या रहा है 2 meter per second से, जाहिर सी बात है इसको 2 मीटर पर सेकंड से आप मूव कर रहे हो तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, हमारे तो ये एयर कॉलम की लेंथ एल थी, सो पहले फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे है तो जो भी है आपका 320 स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड को उसको मैं वीएस मान ले रहा हूं, सो वीएस बाय 4L। ठीक है, फंडामेंटल पे ही मान लेते हैं ये फ्रीक्वेंसी हुई। अब आपने इसको मूव कराया, मतलब आपने सोर्स को मूव करा दिया, है ना, जो आपका रेजोनेंस प्रोड्यूस करा था आपने इसको मूव कराया, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये कितनी हो जाएगी, रियल फ्रीक्वेंसी विच इज माई एफ इंटू कितना, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है बेटा, है ना, तो velocity of sound upon velocity of sound minus velocity of source। अब कह रहा है कि फिर से दोनों रेजोनेंस पे आए तो इसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू आपको बतानी है, परसेंटेज चेंज की वैल्यू बतानी है फिर से रेजोनेंस के लिए, सो यही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो तो कर लेंगे हम लोग, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड इन द लेंथ, तो ठीक है ये फ्रीक्वेंसी हो गई इसके, सो दिस इज माय वीएस बाय 4L इनटू वीएस बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, मैं लिख ही दे रहा हूं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कर लो। अब इसके साथ अगर हमें रेजोनेंस में इसको रखना है तो हम इसको क्या करें, स्मॉलेस्ट चेंज दैट इज इक्वल टू वी एस बाई 4L- मान लेते हैं, है ना, सो यहां से वीएस से वीएस कट गया, अब देखना 4 से 4 भी कट गया, L- by L इज इक्वल टू व्हाट यू गेट,
Vs माइनस वी टी 320 माइनस ये दिस इज 318 अपॉन 320 Now, what should be the change in length? So, this is L dash minus L upon L. That is equal to 318 minus J. This is 2 upon 320. Obviously, ye minus mein hai. Khair, hume change se matlab hai. Toh, usme magnitude se hi matlab hai hume. Into 100 kar de raha hun. Percentage ke liye. Hai na? Percentage ke liye. Delta L by L. Percentage error ke liye. Percentage change ke liye. So... Now this will be equal to what? 20 by 32. So this is 5 by 8. So this is 0.625%. है ना? So this is इतना length अगर होगा, इतना length अगर आप change कर देंगे, बढ़ा देंगे basically. Sorry, L dash minus L इज नेगेटिव हाँ तो ऑब्वियसली ये लेंथ आप घटा ही रहे हैं तो ये लेंथ आप जब आप घटा देंगे इतना तो फिर आपका वो फिर से रेजोनेंस में आ जाएगा दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज सो दिस क्वेश्चन नंबर 17 आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को आप मीडियम कैटेगरी में रेंज करेंगे कोई खास बात नहीं थी नॉर्मल सवाल था क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसमें ऐसा था जो कि काफी सिटर था वो आप आराम से कर सकते थे उन्होंने कहा आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरी सरफेस डेंसिटी सिग्मा आर दे रखा है कह रहा है कि सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय आर एक डिस्क है उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई थी और कह रहा है कि इसका रेडियस भी कैपिटल आर दिया हुआ है और इसके रेडियस के अकॉर्डिंग जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है अब बोला कि वेयर सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क है वो तो मैंने बता दिया टोटल डिस्टेंस आर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट इनक्लोजेस द चार्ज डिस्क इसको एक स्फीयर जो इसको इनक्लोज करता है उसके थ्रू फ्लक्स कह रहा है कि जो इसको इनक्लोज कर रहा है उसके थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट कह रहा है बड़े स्फीयर के थ्रू और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r बाई 4 एंड कंसेंट्रिक विद द डिस्क डिस्क के साथ कॉन्सेंट्रिक और रेडियस r बाई 4 ऐसा एक स्फीयर उसके थ्रू फ्लक्स कर रहा है फाई डैश और फाई तो आपको फाइंड आउट बाई फाई निकालना है बहुत ढंग से सोचोगे तो इस स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स जाएगा दैट इज q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट So, आपको इस डिस्क का पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा और इस वाले में इस डिस्क का वही चार्ज पोर्शन अंदर आएगा जो रेडियस 0 से लेके r/2 तक है तो बस हमें चार्ज निकालना है q इनक्लोज्ड निकालना है सो q इनक्लोज्ड को मैं और दोनों का रेशियो ले लेंगे क्योंकि q इनक्लोज्ड का ही रेशियो लिखना है सो q इनक्लोज्ड q नॉट लिख रहा हूं पहले के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दिया हुआ है सिग्मा नॉट 1 माइनस r बाय कैपिटल r डिस्क पे क्या करोगे इसको ऐसे देख लो कुछ नहीं है अगर हमें पूरा चार्ज निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपने किया हुआ है आपके लिए लल्लू सवाल था ये देखा जाए तो यहां पे रिंग बना लो डी आर मोटाई की आर पे जाके उस मोटी डिस्क का एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर डी आर इसको इंटीग्रेट कर डालो कहां से कहां तक 0 से लेके कैपिटल आर तक ये क्यू नॉट हो गया मैं कर ही दे रहा हूं सिग्मा नॉट बाहर निकाल लो 2 पाई भी बाहर निकाल लो ये हो गया आपका आर डी आर 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आर स्क्वायर डी आर बाई कैपिटल आर 0 से लेके आर तक देखना मैं कुछ गड़बड़ ना करूं सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई बाहर है दोनों में ये रहेगा ये तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया आपका आर क्यूब बाई 3 तो एक आर से आर कट गया सो दिस इज आर स्क्वायर बाई 3 सो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3 तो आर स्क्वायर बाई 6 सो दिस इज आर स्क्वायर बाई 6 इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक तो ये आ गया
आई होप आपको दिख रहा है, इट इज विजिबल। अब अगला चल रहे हैं इसी में, अगर अगला देखेंगे क्यू फाई के लिए, क्यू के लिए मतलब फाई वाला, मतलब इस वाले के लिए, तो इसमें सिर्फ ये जीरो से लेके आर बाई फोर तक होगा क्यू के लिए। एक तो आ गया मेरा आर स्क्वायर बाई सिक्स सिग्मा इंटू टू पाई, तो सिग्मा इंटू टू पाई तो अभी भी बाहर निकलेगा, सिग्मा नॉट इंटू टू पाई, तो ये तो हो गया जीरो से लेके आर बाई फोर। सो ये हो जाएगा कितना आर स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर, तो सोलह चार चौका सोलह, सोलह दुना बत्तीस, आर स्क्वायर बाई फोर कर लीजिए आप, आर स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर इंटू टू, अच्छे से लिख रहा हूं, आर क्यूब बाई थ्री था तो आर स्क्वायर बाई, ये आर क्यूब बाई थ्री था तो यहां पे जब आप इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई आर आर बाई थ्री का होल क्यूब, तो आर क्यूब बाई फोर का क्यूब इंटू थ्री, और यहां से अब देखिए ये क्या बचेगा, फाई विल बी और क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फाई होगा, आर सिग्मा इंटू टू पाई, और यहां से आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, और यहां से देखो चार स्क्वायर बाहर आ गया, सोलह भी बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा सोलह वन बाई टू माइनस चार चौका सोलह वन बाई बारह। सो यहां से टू कॉमन ले लो, वन माइनस वन बाई सिक्स, सो दिस इज फाइव बाई सिक्स, सो दिस होल टर्म विल बिकम इक्वल टू फाइव बाई सिक्स सिग्मा नॉट टू पाई आर स्क्वायर बाई थर्टी टू। सो दिस इज क्यू हो गया आपका, है ना। अब दोनों का रेशियो लेना है क्यू नॉट बाई क्यू का, तो बस अब देखो क्यू नॉट बाई क्यू का रेशियो ले लो, अच्छे से करना एग्जाम में जब भी आए तो ऐसे सवालों को, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक प्रोन होता है ये सब सवाल। तो सिग्मा नॉट इंटू टू पाई अच्छे से करना, जो भी स्टेप लिखो खराब से लिखो कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे से करना इसको, केयरफुली करना। सिग्मा नॉट इंटू टू पाई इसलिए केयरफुली कर रहा हूं मैं भी, टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पता है कि कैलकुलेशन हो सकती मिस्टेक हो सकती है, वही करवाएगा आपसे और कुछ नहीं करवाएगा। फाइव बाई सिक्स इंटू थर्टी टू ऊपर चला गया, सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट, सॉरी सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट, सिग्मा नॉट टू पाई सिग्मा नॉट टू पाई सिग्मा नॉट टू पाई आर स्क्वायर सब खत्म, सो ये आ गया 32 बाई 5, सो ये वैल्यू बन के आई आपकी 6.4, एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम आई सपोज। सो ये सवाल मैं मीडियम कैटेगरी नहीं, मीडियम कैटेगरी में रखूंगा, दो बार इंटीग्रेट करना था, बाकी कुछ था नहीं इसमें, आपको भी समझ में आ रहा है। सो ये आपकी एनालिसिस और आपका पेपर हुआ, पेपर वन पूरा खत्म किया मैंने, कल मैं कोशिश करूंगा पेपर टू करने के बाद इस पेपर को एनालाइज कर लेंगे कि कौन से चैप्टर से कहां से सवाल आए थे, एंड देन वी विल स्टार्ट द स्ट्रेटजी फॉर आवर 2021 जेईई एडवांस। मैं रिलेटिव वेलोसिटी के साथ आ रहा हूं कुछ बढ़िया सवालों के साथ आपके सामने, सो स्टे ट्यून्ड टू फिनिक्स आईआईटी द एडिफिस ऑफ फिजिक्स वेयर वी ऑल वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच।